फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सरस्वती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है गोविंद शर्मा। हम बात कर रहे हैं साइंस की, और साइंस में भी क्या, साइंस में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन, जिसकी दो वीडियो ऑलरेडी आपके समक्ष मैं रख चुका हूं। आज जो ये वीडियो है तीसरी, इस वीडियो में बात करेंगे किसकी, लंग्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे विंड पाइप के बारे में और लैरिंक्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं क्या विंड पाइप की, विंड पाइप होती क्या है, इसके काम क्या क्या है। देखो, अगर मैं बात करूं आपके समक्ष एक चीज की, वो क्या है, वो बात है कि सर हमने नाक से सांस तो ले ली, हमने नाक से क्या करी, हमने नाक से सांस तो ले ली, लेकिन इस नाक को लंग्स से जोड़ने का काम जो भी ऑर्गन करता है, उस ऑर्गन का नाम क्या है, उस ऑर्गन का नाम होता है बेटा विंड पाइप, उसका नाम होता है। ठीक है, विंड पाइप से इतना क्वेश्चन। आगे चल के क्या होता है, एक होता है उसका नाम होता है लैरिंक्स। ये एक, इस लैरिंक्स को अगर लोकेशन के बारे में इसकी बात की जाए, तो इसकी लोकेशन कहां होती है, लैरिंक्स पाया जाता है कहां पर, लैरिंक्स पाया जाता है इसी विंड पाइप पर, विंड पाइप पर पाया जाता है लैरिंक्स। और इस लैरिंक्स को भाई क्या बोलते हैं, इस लैरिंक्स को बोला जाता है साउंड बॉक्स। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि साउंड बॉक्स कहते किसे हैं, तो वो लैरिंक्स को बोलते हैं। और लैरिंक्स कहां पर पाया जाता है, विंड पाइप पर पाया जाता है। इतनी बात तो आप शायद समझ गए होंगे। बट अब सर ये बता दो मेरे को एक बार, या हमें सर ये बता दो कि ये साउंड जो बॉक्स होता है इसका काम क्या है। इसका काम होता है कि जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे कि मैं ही बोल रहा हूं, तो कौन सी चीज है जो साउंड को जनरेट कर रही है, और उसी को जो साउंड को जनरेट करता है, साउंड की जनरेशन के लिए सहायक होता है, उसी को क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। इतनी बात भी समझ में आती है। अब ये बता दो सर कि ये साउंड बॉक्स कैसे काम करता है। देखो, इस साउंड बॉक्स में ऐसे 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 ना ऐसे ऐसे क्या पाए जाते हैं, ऐसे फाइबर्स पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं। और मैं आपकी नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं, कोई भी चीज जब जाके साउंड को क्रिएट करती है, जब उसमें डिस्टरबेंस आती है। अब डिस्टरबेंस क्या, डिस्टरबेंस इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल देखो, ये साउंड आया, इसमें कुछ वाइब्रेशन हुई, तभी ये साउंड क्रिएट हो पाया है यहां पर। तो सर ये बता दो कि साउंड जब क्रिएट होती है, जब क्या होती है, कोई भी डिस्टर्बेंस होती है, यानी कि कोई भी वाइब्रेशन होती है। और जब भी हम बोलते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी हम बोलते हैं तो हमारी सांस अंदर से बाहर की तरफ निकलती है, और जब हमारी सांस अंदर से बाहर की तरफ निकलती है, तो ये जो फाइबर्स होते हैं जो लैरिंक्स में साउंड बॉक्स में पाए जाते हैं, ये जो फाइबर्स होते हैं, ये जो मसल्स होती हैं, ये वाइब्रेट करती हैं। और वाइब्रेट करने से, इनके वाइब्रेशन से, इन्हीं के वाइब्रेशन से क्या बनता है, इन्हीं के वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होता है। और इसी साउंड को हमारी जो जीभ होती है, वो जीभ ही, हमारी जीभ इसको शब्दों में कन्वर्ट कर देती है। तो फॉर एग्जांपल या फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप समझ गए कि साउंड बॉक्स कैसे काम करता है, ये तो बात ठीक है। आगे क्या कर सकते हैं, एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूं। आगे क्या होता है, देखो आपने देखा होगा कि सर एक बार ये बता दो कि साउंड तो होती है, ठीक है, लेकिन साउंड पतली क्यों होती है और साउंड भारी क्यों होती है। देखो, आपने अगर फीमेल की साउंड देखी होगी, जो फीमेल की आपने साउंड देखी, वो क्या होती है, वो होती है पतली। और आपने अगर मेल की साउंड देखी होगी, वो क्या होती है, वो होती है मोटी। तो एक बार ये बता दो कि सर इसका कारण क्या है, कि क्यों ऐसा होता होगा कि जो फीमेल है उसकी आवाज तो पतली हो गई और जो मेल है उसकी आवाज मोटी हो गई। तो ये तो सब कुछ डिपेंड करता है किस पर, ये सब कुछ डिपेंड करता है पिच पर। और पिच किस चीज पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। सर ये भी आपने रिलेशन बता दिया कि पिच होती है, उसी पिच के कारण हमारी आवाज जो है वो पतली या मोटी होती है। बट सर एक और चीज बताओ, कुछ और अच्छी सी चीज बताओ। तो मैं आपको अगर बात बता दूं कि जो टाइम होता है, टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अंडर रूट कर दूं अगर लेंथ को, लेंथ को अंडर रूट कर दूं। अब किनकी लेंथ है, ये इन फाइबर्स की ही लेंथ है, जो हमारे गले में साउंड बॉक्स में जो फाइबर्स पाए जाते हैं, ये उनकी लेंथ है।
अब सर ये क्या बात हुई, ये बात यह है समझने की कोशिश करना कि टाइम जो है अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल यहां पर जो लेंथ है वो 4 मान लेते हैं, 4 सेंटीमीटर या जो भी कुछ वैल्यू 4 मान लेते हैं समझने के लिए, तो यहां पर टी कितना हुआ, टी यहां पर आया 2, एक एक तो हमने जब 4 माना लेंथ को तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया 2 के। लेकिन अगर इसको मैं 16 कर दूं, तो अगर मैं लेंथ को 16 कर दूं तो टी कितने के बराबर आएगा, ये कितने के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा कि आप बोलोगे कि सर 4 के। यहां से इससे और इससे हमें दो चीजें देखने को मिली कि सर टाइम इंक्रीज हो रहा है जब हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इतनी बात समझ में आई कि सर जो टाइम होता है और जो लेंथ होती है उनमें इनवर्सली उनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो है वो रिलेशन होता है। इतनी बात समझ में आपको इस चीज से आ गई होगी। और अब आप मेरे को बता दो कि टाइम क्या होता है। टाइम जो होता है या फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/T होती है, यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर टाइम की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यहां से देखो आप, अगर जब हमने लेंथ की वैल्यू 2 मानी थी तो टाइम की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, और इस रिलेशन से यही वैल्यू क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो गई। जब हमने इस लेंथ की वैल्यू को 2 माना और उससे बढ़ाकर 4 माना तो टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी इस फार्मूले से, और अगर टाइम की वैल्यू इंक्रीज होगी इस फार्मूले से तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी या नहीं होगी। ठीक है सर, तो यहां से आप दो बातें याद रखें, जो मेल्स होते हैं उन मेल्स में इन साउंड बॉक्स में जो फाइबर्स होती है उनकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है। अब अगर ये लेंथ अगर ज्यादा होगी, लेंथ अगर ज्यादा होगी फीमेल में, सॉरी मेल में अगर लेंथ ज्यादा होगी तो टाइम ज्यादा लेगी, बिल्कुल सर, अगर टाइम ज्यादा लेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। और जिन लोगों की फ्रीक्वेंसी कम होती है उनकी पिच भी कम होती है, और जिनकी पिच कम होती है उनकी आवाज हमेशा क्या होगी, उनकी आवाज हमेशा मोटी होगी। तो आपको समझ में आया कि सर मोटी आवाज क्यों होती है मेल्स में, क्योंकि उनकी इन फाइबर्स की, इन फाइबर्स को बोला जाता है बेटा वोकल कॉर्ड्स, इनको क्या बोला जाता है, वोकल कॉर्ड्स। क्वेश्चन जैसे कि आए कि मेल्स में आवाज मोटी पाई जाती है, क्यों, क्योंकि लो पिच होती है। दूसरा भी क्या, क्योंकि सर इनकी वोकल कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है, और अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो ज्यादा टाइम लेगी, और ज्यादा टाइम लेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। इस रिलेशन से उल्टा भी सत्य है, महिलाओं में इनकी लेंथ कम पाई जाती है, अगर लेंथ कम पाई जाती है तो टाइम कम लेगी, अगर टाइम कम लेगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और अगर फ्रीक्वेंसी क्या बेटा, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो हमेशा पिच भी ज्यादा, और अगर पिच ज्यादा तो पतली आवाज होगी। इतनी बात शायद आप समझ गए होंगे, या आपको ऐसा रटवाया जाता है कि फीमेल में पतली आवाज होती है, मेल में मोटी आवाज होती है। अब क्यों होती है उसकी बारे में आपको जानकारी यहां पर मिल चुकी है। तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। ये वीडियो आपको सरस्वती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, और साथ साथ आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम। इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे हम पढ़ते हैं लंग्स के बारे में। यहां पर जैसे भी फिगर आउट किया गया है, लंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं। लंग्स ही क्या होता है, जो लंग्स होता है उससे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो यह क्वेश्चन आता है कि यह मेन ऑर्गन है, मुख्य अंग है। क्या है, ये मुख्य अंग है श्वसन क्रिया का, मुख्य अंग कौन सा है, तो लंग्स है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इसका कलर कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, तो आपको बताना है कि पिंक होता है। आगे पूछता है कि इसका वेट कितना होता है, लगभग 1300 ग्राम का ये होता है। आगे अगर पूछे कि ये कहां पर स्थित होता है तो आपको देखना है थ्रोसिक कैविटी में।
आपको बताना है कि लंग्स मेन ऑर्गन है, कलर किसका पिंक होता है और इसका वेट इतना होता है, थ्रोसिक कैविटी में होता है। और आपको क्या बताना है कि लंग्स के डॉक्टर को बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, और लंग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं बेटा एक बार बता दो, कि स्टडी को क्या बोलते हैं सर बता दो एक बार, इसको बोलते हैं पल्मोनोलॉजी। और लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। ये तो थे स्टेटिक क्वेश्चन जो यहां से आते ही आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सर क्या है, एक बार रिपीट करा दो जरा, कि मेन ऑर्गन्स होता है लंग्स, कलर इसका पिंक होता है, इसका वेट इतना होता है, थोरोसिक कैविटी में पाया जाता है, पल्मोनोलॉजिस्ट इसके डॉक्टर को बोलते हैं और स्टडी इसकी पल्मोनोलॉजी होती है, और एक मेम्ब्रेन पाई जाती है लंग्स के चारों ओर, उसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। आगे बता दो सर कि नाक को यहां तक लंग्स से जोड़ने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, या उस पाइप को क्या बोलते हैं, उसको तो बोलते हैं विंड पाइप। और आगे चल के यही विंड पाइप क्या होती है, यही विंड पाइप दो भागों में आपको टूटती हुई नजर आ रही है यहां पर, यही इसका पहला डिवीजन है और इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्रोंकी, या ब्रोंकाई भी कई जगह इसको बोला जाता है। तो क्वेश्चन अगर आए कि प्राइमरी डिवीजन ऑफ विंड पाइप का प्राइमरी डिवीजन क्या कहलाएगा, ब्रोंकी। और अगर आप देखें इस फिगर से, प्राइमरी डिवीजन यानी कि जो विंड पाइप थी वो दो हिस्सों में टूट गई, एक तो लेफ्ट चला गया और एक राइट चला गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकी। और आगे जाके आपने देखा ये ब्रोंकी भी इस साइड भी कई हिस्सों में टूट गई, सब हिस्सों में सब डिवीजन इसका हो गया, और यहां पर आकर भी इसका सब डिवीजन आपको देखने को मिला। तो इसको मैं बोल सकता हूं, जो दो बार डिवीजन हुआ इसको मैं बोल सकता हूं सेकेंडरी डिवीजन ऑफ विंड पाइप का दो बार दूसरा जो डिवीजन होता है उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ये मैंने बताया और ये ब्रोंकी मैंने बताया। कि सर एक बार ये बता दो कि प्राइमरी डिवीजन किसे बोलते हैं, ब्रोंकी को, और सेकेंडरी डिवीजन किसे बोलते हैं विंड पाइप के, ब्रोंकियोल्स को। आगे क्या होता है, आगे यहां पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहां पर बिल्कुल लास्ट में ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। कि सर पहले तो विंड पाइप टूट गई ब्रोंकी में, फिर विंड पाइप टूटी किसमें, ब्रोंकियोल्स में, और लास्ट यूनिट क्या होती है, लास्ट यूनिट बोल लीजिए या फिर फंक्शनल यूनिट बोल लीजिए या फिर आप स्ट्रक्चर यूनिट बोल लीजिए, कि अब इनसे क्या है कि सर अंतिम कड़ी क्या है और कार्यात्मक इकाई क्या है, जो कार्य करती है लंग्स में वो यूनिट क्या है, और जो लंग्स में स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है। तो मैं पूछ रहा हूं कि आगे चल के जो ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स है ये किस चीज में टूट जाता है, और उसी को बोलते हैं लास्ट यूनिट ऑफ लंग्स, यानी कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स और स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लंग्स, इसको बोलते हैं बेटा एलोवियोले, वायुकूपिका। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, मेन यूनिट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एलोवियोली, और एलोवियोली वायुकूपिका या वायुकोष्ठ इसको बोला जाता है। इतनी बात शायद आपको समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। देखो हमारे लंग्स में ना बहुत बहुत मिलियंस ऑफ एलोवियोली मौजूद होती हैं, और इन्हीं एलोवियोली में खून भरा होता है, और हमारे लंग्स का काम यही तो है सर, यही तो है लंग्स का काम कि वो जो ब्लड होता है उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करना, मिलाना। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम सांस लेते हैं हम एयर इनहेल करते हैं, और वो उस एयर में नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है और CO2 भी होती है,
ये लगभग 78% होती है, ये लगभग 21% होती है, 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें यहां से काम काम की चीज जो है वो है हमारी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ही हमें चाहिए। अब ऑक्सीजन क्यों चाहिए ये बता दो सर, क्योंकि हमने खाना खाया और उस खाने का बना क्या ग्लूकोज C6H12O6। और मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ये बताया था कि जब भी दहन होता है तो ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा प्राप्त तभी होगी जब दहन होगा, और दहन तभी होगा जब हमारे पास एक गैस मौजूद होगी, और उस गैस का नाम क्या है, उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। इतनी बात समझ में आती है। तो सर इस ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराने के लिए हमें इस एयर से इस ऑक्सीजन को निकालना है, और इसको हमें ब्लड में मिलाना है, और ब्लड इस ऑक्सीजन को हर एक सेल के पास लेके जाएगा, और हर एक सेल उसी ऑक्सीजन के साथ अपना ऑक्सीडेशन करेगी, और ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा सर, हमें मिलेगा सर एटीपी। इस रिएक्शन से मिलता है CO2 प्लस H2O प्लस ये एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ही हमारे शरीर में क्या, ऊर्जा बनाने का एक स्रोत है, या ऊर्जा का ही एक स्रोत है। और ये सभी चीजें होती हैं बेटा, मैं आपको बता देता हूं, सेल्स के अंदर, और सेल्स में भी यही होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही आपने बहुत सारे वन लाइनर में पढ़ा है, उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैसे, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि ये करना है, मुद्दा ये है कि सर जो एयर हमने इनहेल की उससे लंग्स ने कैसे ऑक्सीजन निकाल ली, मुद्दा तो ये है। उसी मुद्दे को समझने के लिए मेरे साथ आप बने रहें। देखो हमने एयर ली और उसी मुद्दे पर हम बनेंगे। फॉर एग्जांपल ये सभी चीजें कहां होती हैं, मैंने आपको बताया था ये सभी चीजें होती हैं लंग्स में। सर एक बार बता दो लंग्स में भी कहां होंगी, तो ये सभी चीजें एलोवियली में होती हैं, और बहुत सारी मिलियंस ऑफ एलोवियली हमारे शरीर में मौजूद होती हैं, और मौजूद होने के साथ साथ अब सभी का फंक्शन एक जैसा होता है। और अगर मैं आपको एक फंक्शन करा दूं, एक का फंक्शन करा दूं, तो आप सभी का फंक्शन समझ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल समझ जाएंगे सर हम। तो लगभग ऐसा अंगूर लाइक स्ट्रक्चर होता है एलोवेली का। एक तरफ एलोवेली में ब्लड आता रहता है, और एक तरफ इससे ब्लड क्या होता है बेटा, जाता रहता है। वो जाता कहां है सर, जाता तो हार्ट्स के पास है, दिल के पास है, और आता कहां से है सर, वो भी दिल के पास से ही आता है सर। आएगा कौन सा खून, अब लंग्स के पास कौन सा खून आएगा, वो जो मैंने रिएक्शन बताई थी एटीपी वाली, उसमें CO2 मिलके आएगा, यानी कि इंप्योर ब्लड आता है लंग्स के पास, जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है बेटा, कम होती है। इतनी बात समझे। और सर यहां पर लंग्स में प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के बाद हमें प्योर ब्लड मिल जाता है जिसमें CO2 की मात्रा इंक्रीज होती है, यानी कि ज्यादा होती है, और CO2 की मात्रा क्या होती है, कम होती है। यह प्रोसेस होता है किसका, दोबारा यह सारा खून, ये वाला खून जिसमें प्योर खून था, ये अपने दिल के पास लेके जाया जाता है, और दिल इसमें क्या करता है, दिल इसको दोबारा पंप करके हमारे सभी ऑर्गन्स के पास पहुंचा देता है, और ऑर्गन्स के पास इनडायरेक्टली रूप से ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में उस ग्लूकोज का दहन करती है, ऑक्सीडेशन करती है, और हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है। बट सर एक बात बताओ कि यहां पर कैसे, ये एलोवेली है मैंने बता दिया, और एलोवेली लंग्स से, लंग्स का एक पार्ट है, तो यहां पर मैं मान सकता हूं एयर आ रही है, एक तरफ से खून आ रहा है, एक तरफ से एयर आ रही है, एक तरफ से एयर आ रही है, एक तरफ से खून आ रहा है। एयर में बताया मैंने कि N2 होता है, O2 होता है, और CO2 होता है। O2 की मात्रा होती है 21% और CO2 की मात्रा होती है 0.03%। इतनी बात क्लियर है। और आपने एक चीज पढ़ी है या सुनी है वो मैं बता देता हूं कि जो गैसेस होती हैं अपने होमोजीनियस मिक्सचर के साथ, होमोजीनियस मिक्सचर इन द सेंस क्या, कि ऑक्सीजन की मात्रा जहां पर अधिक होगी वो ऑटोमेटिकली वो अधिक मात्रा जहां पर दूसरी स्टेज में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी उसकी तरफ चलेगी, उसकी तरफ खुद को लेके जाएगी। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी कि विसरण।
सर एक बार दोबारा बता दो कि विसरण किसे कहते हैं? विसरण कहते हैं कि सर ये हमेशा गैसेज में होगा, और गैसेज में ये क्या होगा, जहां पर भी एक गैस की मात्रा अधिक होगी वहां से गैस हमेशा बहना स्टार्ट करेंगी लो वैल्यू पर। फॉर एग्जांपल कहीं पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो और कहीं पर दूसरी जगह पर, यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है यहां पर कम है, तो सर ये अधिकता वाले स्थान से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है हर एक गैस। ठीक है, इतनी बात। या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, और हिंदी में बोले तो क्या, विसरण। यहां पर मैंने क्या कनेक्ट कर लिया, अपना नोज कनेक्ट कर लिया, और नोज से हमने एयर ली थी जिसमें N2 O2 और CO2 की वैल्यू ली थी। ये लगभग 21% होती है, लगभग 0.03% होती है, और ये 78% होती है। यहां से खून आ रहा है जिसमें CO2 की मात्रा बाहर वाले जो हम सांस ले रहे हैं उस वाली मात्रा से, जो हमारे यहां पर जो ब्लड आ रहा है, यहां पर जो ब्लड आ रहा है अशुद्ध ब्लड जो आ रहा है उसमें CO2 की मात्रा बाहर वाली CO2 की मात्रा से कहीं अधिक होती है। तो यहां पर CO2 की मात्रा कम है और एयर में CO2 की मात्रा क्या है सर, आपने बताया कि ज्यादा है। तो क्या यहां पर डिफ्यूजन नहीं होना चाहिए? क्या ये CO2 की मात्रा जो कि ज्यादा है वो कम की तरफ नहीं चलेगी? आप बोलोगे बिल्कुल चलेगी। अब दूसरा केस क्या है सर, ऑक्सीजन के भी बता दो। ऑक्सीजन की बाहर वाले मात्रा में 21% है लगभग, जो कि खून की मात्रा से ज्यादा है, और ये खून की तरफ नहीं चलेगी क्या? सर आपने बताया कि बिल्कुल चलेगी। जो खून में ऑक्सीजन की मात्रा यहां पर कम है उस साइड अगर खून में एयर मिक्स होगी, और वो एयर में अगर मिक्स होगी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा खून की ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक है, तो वहां पर सर डिफ्यूजन होगा। और अगर यहां पर डिफ्यूजन होगा तो हमें ये एक मेरी बात बता दो कि हमें यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा नहीं मिलेगी क्या? आप बोलोगे कि सर बिल्कुल मिलेगी। तो ये हमें यहां पर शुद्ध खून मिला, और ये शुद्ध खून जाता कहां पर है, दिल के पास। अब दिल क्या करता है, पंप करता है, और पंप के साथ ये कहां पर पहुंचा देता है, ये हर एक ऑर्गन के पास पहुंचा देता है। अब दिल ने हर एक ऑर्गन के पास क्या पहुंचा दिया, ब्लड पहुंचा दिया, और ब्लड से इनडायरेक्टली रूप से क्या पहुंचा दिया, O2 पहुंचा दिया। अब उनके पास ग्लूकोज तो था ही, ग्लूकोज ये बन गया अब हमारा रिएक्शन के साथ क्या, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। शायद आपको यह पता लग गया होगा कि हमने एयर ली थी उससे हमने ऑक्सीजन कैसे बना ली, सर सिंपल डिफ्यूजन से। और यह भी पता लग गया होगा कि हमें ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत क्यों होती है। सर आगे चल के बता दो, मेरे को एक चीज बता दो कि सर यह बताओ उस नाइट्रोजन का क्या हुआ, कि जो नाइट्रोजन हमने ली थी एयर में उसका क्या हुआ सर, वो कहां पर चली गई? तो उसके लिए आप लिखेंगे एक चार्ट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और CO2, इनका एक चार्ट बना लीजिए ऐसे करके। और इस चार्ट में आपको लिखना क्या है कि सर हमने अंदर कितनी एयर ली थी, कि एयर में कितनी नाइट्रोजन थी 78%, एयर में ऑक्सीजन कितनी थी 21%, और CO2 कितनी थी 0.03% सर। और जो हमने यूज की वो 78% की 78% हमने बाहर निकाल दी, जो हम एक्सहेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं, और जो एयर है मैंने उसकी वैल्यू यहां पर लिख दी। और जो हमने बाहर ऑक्सीजन निकाली वो 17% निकाली, और जो CO2 निकाली वो लगभग 4% CO2 हमने बाहर निकाली है। तो क्वेश्चन आए कि कितने परसेंट यूज कर ली जाती है ऑक्सीजन, तो लगभग 4% ऑक्सीजन यूज की जाती है। तो क्वेश्चन यहां से यह भी पूछ सकता है कि CO2 बाहर निकालते हैं, जब हम जो एयर हम बाहर निकालते हैं उस एयर में CO2 की मात्रा कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर 4% होती है। हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल हो जाएगा सर। इससे आगे क्वेश्चन क्या आता है, इससे आगे क्वेश्चन यह आता है कि कैसे एक होता है रेस्पिरेशन क्वेश्चन होता है, उसमें क्या है कि हम कितनी CO2 की मात्रा बाहर छोड़ रहे हैं, अगर उसको मैं भाग दे दूं कितनी हम ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अंदर, और इसी रेशियो को क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशनरी या रेस्पिरेशन क्वेश्चन इसको बोलेंगे। इतनी बात हो गई। अब देखो ये क्या है, अगर हमने उतनी ही CO2 बाहर निकाली मान लेते हैं 2, और उतनी ही ऑक्सीजन ली थी मान लेते हैं 2, तो ये बराबर ना आ गया, 1 आ गया। और जब ये
आर क्यू एक के बराबर आता है, तो इसका मतलब है हमने उतनी ही CO2 बाहर निकाली है और उतनी ही O2 क्या ली है, यूज की है, यानी कि अंदर हमने इसको लिया है। और इसके दो केस भी बन सकते हैं कि एक से कम आ जाए, एक से ज्यादा आ जाए। एक बार मेरे को कमेंट में आप बता सकते हैं कि ये दो केस होंगे जब ऑक्सीजन की और CO2 की मात्रा पर क्या असर पड़ेगा, जब ये एक से कम आएगा या एक से ज्यादा आएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने लंग्स के फंक्शंस के बारे में बात की, सिंपल डिफ्यूजन के बारे में बात करने की कोशिश की, विंड पाइप के बारे में बात करने की कोशिश की और साउंड बॉक्स के बारे में बात करने की कोशिश की। कल वाली वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसी या कैसे कैसे या कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो रिलेटेड होती हैं रेस्पिरेशन सिस्टम से। आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो। धन्यवाद।